हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको अपना 17 नंबर फॉर्म फिल करना है एसएससी का, तो किस तरह से करना है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको अपने 10वीं के प्राइवेट फॉर्म कैसे भरना है। इसके पहले हम लोगों ने और भी वीडियोस अपलोड की है, लेकिन वो दूसरी तरीके से था, ठीक है। अभी एक न्यू वेबसाइट आ गई, तो ये न्यू वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। जो भी अपडेट होती है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड करें। अब फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ, अगर आपको 70 नंबर फॉर्म फिल करना है तो वेबसाइट कौन सी है और उसका प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो जल्दी से जल्दी प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी अगर बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। चलो क्या करोगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को कर लेना वेबसाइट ओपन। वेबसाइट आपके सामने क्लियरली मेंशन है, mahsc.in/en/form70, ठीक है। ये वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। जब तक ये वेबसाइट आपको नहीं दिख रही, डेट मीन्स आप लोगों ने कुछ गलत वेबसाइट ओपन की, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्म भरना है 10वीं का 70 नंबर फॉर्म। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे होम स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म 17, तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 17 एसएससी 10वीं के लिए फॉर्म कैसे भरना है वो बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर बहुत स्लो जा रहे हैं, फटाफट बताओ। देखो जब आपको फॉर्म भरना है तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या आप लोगों ने ये वेबसाइट ओपन कर लिए, यस, तो यस तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब बस यहीं पर क्लिक करेंगे, कहा फॉर्म नंबर 17, तो कहा क्लिक करोगे आप लोग डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर्म नंबर 17, तो बस 17 पे आप लोग क्लिक करोगे। अब इजीली आप लोग पूरा एक बार समझिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ईमेल आईडी प्रॉपरली आपके होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर यही से गलती होगी कुछ मतलब नहीं। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी चीजें पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबमिट करने से पहले आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले प्लीज कंफर्म विद द स्कूल इफ दे आर रेडी टू प्रोसेस 17 एप्लीकेशन बिफोर फिलिंग आउट। इसका मतलब ये होता है जब आप ये फॉर्म फिल करते हो ना, तो ये फॉर्म आपको एक पर्टिकुलर स्कूल में सबमिट करना रहता है, तो वो चीज आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको अभी नाम आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो स्कूल से पहले कंफर्म कर लेना है, क्या आप मेरा फॉर्म 17 एक्सेप्ट करोगे। आगे वंस द अमाउंट इज पेड द स्टेट विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप लोग ने एक बार पेमेंट कर दिए और अगर कोई स्कूल आपका 17 नंबर फॉर्म लेने से मना करती है, डिनाइज करती है, तो इसके लिए बोर्ड जरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। हम क्या कह रहे, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द फीस डिफाइंड बाय द बोर्ड स्टूडेंट शुड नॉट पे एनी अदर अमाउंट टू द स्कूल। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो फीस आपको जो अमाउंट पे करना है बोर्ड को, उसके अलावा आपको स्कूल में एक रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द पेमेंट स्टूडेंट मस्ट गेट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाय द स्कूल। मतलब आपको जब आप अपना फॉर्म पूरा भर दोगे तो पर्टिकुलर जहां भी आपने नाम सेलेक्ट किया रहेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, वो वेरीफाई करेगी और वो सबमिट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड, सबमिट। तो ये पार्ट बहुत जरूरी है आपको समझना। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं अपना ईमेल आईडी और जो मेरा मोबाइल नंबर है। और डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म मेरे थ्रू भरना है तो प्लीज आप लोग एक बार कॉल कर लेना। अगर आपको कुछ काउंसलिंग लेना है तो भी कॉल कर लेना, वो पेबल है, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा आप प्लीज एक बार मुझे कॉल करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी मेरी ईमेल आईडी है, देन मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये दोनों चीज होने के बाद में आपको सबमिट पे ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम ध्यान से। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी गलती कर दी तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी कि फर्दर हो सके। पहला प्रोसेस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर याद रहेगा, पक्का डन। चलो सबमिट कर लेते हैं यहां पर हम लोग। अब आप लोग के पास में दो ओटीपी आएगा, पहला ओटीपी होगा जो आपके ईमेल पर आया होगा और जो सेकेंड ओटीपी होगा वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, डन। तो
तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता दूँ। जैसे आप लोग के पास में जो भी ओटीपी आएगा डियर फ्रेंड्स, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आपको करके आएगा, तो आप लोग के पास में ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। इसके लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी ईमेल आईडी वही यूज करिए जो आपके पास में अभी फिलहाल है। ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस नंबर वन, डन। ये पहला प्रोसेस था जहां पर आप, जैसे आप लोग ओटीपी ये पुट अप करोगे, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आप लोग को एकदम प्रॉपरली समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्म पूरा फिल नहीं करूँगा, आपको पूरा प्रोसेस बता दूँ। तो यहाँ पे लास्ट नेम मतलब आपका सरनेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, मर्डर नेम, ये चारों चीज़ में किसी को डाउट नहीं। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में डाले थे, आधार नंबर, जेंडर, ठीक है, डेट इन वर्ड्स। जैसे आप लोग यहाँ पे डेट डालोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा वो। डोमिसाइल अगर देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप महाराष्ट्र में ही पढ़े हो तो यहाँ पे आप नो करोगे, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, देन आप लोग यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देना और सिग्नेचर अपलोड कर देना, बहुत इजी प्रोसेस है। नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में आपका तालुका और पिन कोड ये पूरा प्रॉपरली मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्कूल नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तालुका डालूंगा तो आपको आपके नियर बाय जो भी स्कूल रहेगी ना वो स्कूल देखेगी, ठीक है। आप लोग जो भी अपना वार्ड सेलेक्ट करोगे, पिन कोड यहाँ पर अगर आप लोग का सेम एड्रेस है तो सेम करके कर लीजिए। अब उसके बाद में डिटेल, अब स्टूडेंट डिटेल, फॉर एग्जाम्पल आपने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ लास्ट एजुकेशन कौन से स्कूल का था वो लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, लास्ट कब अटेंड किया था तालुका स्कूल का, सब्जेक्ट कौन से स्टडी में पढ़ रहे थे, डेट ऑफ लिविंग कौन सी है, और उसके बाद में है स्टडी स्टेटस, तो जैसे पास थे क्या फेल थे खाली वो बताना रहेगा आपको। देन अटेंडेंस कौन सा किया, जैसे आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम बताना पड़ेगा आपको। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपको लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमोसाइल और पेंडिंग। लेकिन ये कब पे करोगे डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग आउट ऑफ के होगे, मतलब महाराष्ट्र के नहीं होगे तभी, सर तभी भी कंपलसरी बोल रहे हैं, तो आप लोग या तो आधार कार्ड या तो लिविंग सर्टिफिकेट फिर से अपलोड कर सकते हो। जैसे ये सारा प्रोसेस होगा डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्म फिल होने के बाद में कैसा दिखता है मैं आपको बता दूंगा। पेमेंट करने के बाद में आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट, जो ये वाला डॉक्यूमेंट इसका प्रिंटआउट लेना है, और जो भी स्कूल आपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पर, प्रीफर्ड स्कूल, ठीक है, तो जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको जाके सबमिट कर देना है, फिर आगे का प्रोसेस वो आपको स्कूल वाले पूरा हेल्प करेंगे। तो बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। और पेमेंट 600 या 1000 है पेमेंट, और प्रोसेसिंग फीस कुछ इसकी 1000 रुपीज़ है। तो इसकी पूरी रिसिप्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या कर लेना है, फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, और ये जो तुम्हारा प्रोसेस होगा फिलिंग का फॉर्म के बाद में आपको जो रिसिप्ट आएगी वो, ये सारी चीज़ें आपको अपने पर्टिकुलर स्कूल में। तो ये प्रोसेस था डियर फ्रेंड्स आप लोगों का 10वीं का, मतलब अगर आप लोग 10th का फॉर्म भरते हो तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, आपको अपने SSC के फॉर्म कैसे फिल करना है। ये वेबसाइट जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप या तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और बहुत इजी प्रोसेस है। और जो भी स्टूडेंट्स को ये पूरा प्रोसेस मेरे थ्रू करना है तो प्लीज़ आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।